So why you are asking me that I am speaking? Because there is no time left with your party. That is the rule. Because I have already given the notice and my name is there. That is there, but your party people have taken more time. But okay, 4 or 5 minutes. Okay, sir. At least 4 or 5 minutes. धन्यवाद साहब. Not more than. एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पे आज हम लोग गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं. कभी हम लोग मानसून की चर्चा करते हैं, कभी सूखे की चर्चा करते हैं, कभी बारिश की करते हैं, कभी ओला की करते हैं. अलग अलग विषयों के ऊपर हम लोग समय समय पर चर्चा करते हैं. क्या सचमुच हम लोग इस विषय पर इतने गंभीर हैं कि एक पूरा समग्र ऐसा प्लान बनाएं कि जिसके वजह से, जिसके कारण हम पूरे देश के अंदर ये आने वाली जो स्थितियाँ हैं इससे लड़ सके. ये पहले बार तो नहीं ऐसा हुआ है कि कहीं सूखा हो रहा है या पीने की किल्लत हो रही है, मगर आज एक परिस्थिति ऐसी निर्माण हो गई कि देश के अंदर करीब करीब 10 राज्य ऐसे हैं जो पीने के पानी से जूझ रहे हैं. कई ऐसे भी राज्य हैं जिस राज्य में काफ़ी बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, उसके बावजूद भी वहाँ भी पानी का बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ है. देश में मानसून की स्थिति 3 साल में इतनी ख़राब हो गई है कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा भयावह परिस्थिति निर्माण हो गई, और उसके अंदर विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र जो उसकी हालत बहुत ख़राब है. कई वर्ष से हम लोग किसानों की समस्याओं लोग के यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, पर इस साल करीब करीब 3500 किसानों ने इसको लेकर आत्महत्या की है. और सबसे गंभीर बात यह है कि लातूर के अंदर ऐसे विद्यार्थी है जो पानी लाने गए वहाँ पर डूब गए, एक परिवार के 2 बच्चे थे वो डूब गए, और यहाँ तक हुआ है कि वहाँ पर जो एक वहाँ पर जो एमएलए थे, उस एमएलए के जो भाई थे वो वहाँ पर पानी लाने के लिए कुएं में उतरे. उनका नाम है त्रंबक नाना भीसे, उनके जो भाई थे वो पानी के अंदर डूब के मर गए. नहीं, ये लातूर के पास में की घटना ही है. और ऐसे विदर्भ के अंदर भी हुआ, हस्बैंड वाइफ का. और यहाँ तक हुआ कि पानी के लिए रात रात भर लाइनें लगी हुई है, 144 धारा लग गई है, 25 लाख लीटर पानी हर रोज वहाँ पर मांजरा सूख जाने के कारण से मिरज से ट्रेनों से आ रहा है. और ये सारी परिस्थितियाँ इतनी गंभीर हो चुकी है कि वहाँ पर लॉन ऑर्डर की सिचुएशन निर्माण हो गई है. ऐसे सब परिस्थिति के अंदर हमको ये देखना चाहिए कि हमारे पास में लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग की आवश्यकता है. आज हम लोग देखते हैं कि एक तरफ तो बियर की फैक्ट्री, शराब की फैक्ट्री, पेप्सी को, कोला को, कोको कोला को इनको पानी दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ किसान और पीने के पानी से हम लोग मर रहे हैं. तो क्या ये संभव नहीं है कि जब तक इस परिस्थिति से हम नहीं निपट सके उसको पानी रोक दिया जाए? आज करीब करीब 80% जो उद्योग धंधे हैं वो 80% जो उद्योग है वहाँ के बंद पड़े हुए, हॉस्पिटल्स बंद पड़े हुए, ICU बंद पड़े हुए हैं. और ऐसे परिस्थिति के अंदर करीब करीब 4 लाख वहाँ के जो मजदूर थे वो वहाँ से छोड़ के बाहर जा चुके हुए. करीब करीब 34,000 मजदूर ऐसे कि जिनका ना आता है ना पता है कि कहाँ, और ये पता नहीं वो लौट के भी नहीं आए. और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को बहुत गंभीर होना चाहिए. यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि पानी के संकट को से निपटने के लिए देश के अंदर धीमी सिंचाई की जो परियोजनाएं चल रही है उसकी तरफ भी मैंने ध्यान सरकार का को दिलाया था. पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहाँ सूखी की त्राई थी मची हुई है, विदर्भ मराठवाड़ा के अंदर अकाल पड़ा हुआ है, वहाँ करीब करीब इस पूरे इसके अंदर 3,50,000 किसानों ने आत्महत्या की. वो एक आत्महत्या की बात और थी. अभी तक किसानों को जो पैकेज की बात हुई थी, पैकेज नहीं दिया गया हुआ है. पिछले सत्र के अंदर भी मैंने किसान, हमारे जो कृषि मंत्री जी, उनसे विनती की थी कि वो आए विदर्भ मराठवाड़ा और वहाँ का दौरा करें, देखे उसको, पर वहाँ तक मुझे अभी तक खबर नहीं कि वहाँ पर कौन सी टीम आई, क्या आई, कौन गए वहाँ पर. यहाँ पर इतना ही नहीं तो जो सरकार ने पिछले बजट के अंदर 86,500 करोड़ की राशि सिंचाई परियोजना के लिए पूरे देश के लिए मंजूर की थी, अब तक सिंचाई परियोजना पर टारगेट का कुल 28% की जो है वो कंप्लीट हुआ है. और एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंदर का किसी भी प्रकार का फायदा महाराष्ट्र को, विदर्भ को और हम लोग को नहीं मिला हुआ है.
ये सब चीज़ों से निपटने के लिए आपने ये देखा होगा कि जो पशुधन है, आज पशुधन जो है किसान के पास में पशुधन वो बेचने के लिए बाहर निकल गए, कौड़ियों के दाम के अंदर वहाँ पर कैंप्स लगे बिकने के लिए वहाँ पर। ऐसे परिस्थिति के अंदर मेरी सरकार से विनती है, उनको उन्होंने कुछ काम करने के, उसके अंदर मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जो शरद यादव जी ने जो बात उठाई थी, वही बात मैंने इसके पहले भी उठाई थी और फिर उठाना चाहता हूँ कि देश की नदियों को एक साथ में जोड़ा जाना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पानी है जो है ये राष्ट्रीय विषय होना चाहिए, नहीं कि राज्यों का विषय होना चाहिए। आज हम लोग देख रहे हैं कि राज्य एक इस ढंग से पानी के लिए लड़ रहे हैं जैसे कोई दुश्मन से एक दुश्मन के साथ में दूसरा दुश्मन और उसके सिपाही लोग एक दूसरे के साथ में लड़ते। मैं एक दो मिनट और लेना चाहूँगा सर आपका, कि मैं आपको यहाँ सचेत करना चाहता हूँ और वॉर्न करना चाहता हूँ कि आप देखेंगे इसमें गृह युद्ध हो जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आप सब सबकी होगी। यहाँ पर मैं साथ ही साथ में ये भी आपसे बताना चाहूँगा कि ये स्थिति को निपटने के लिए आप एक दो दृश्य में आपको बताना चाहता हूँ साहब। एक नई वधू नासिक जिले के अंदर अपने वधू के दुल्हन के कपड़े पहने वहाँ पर थी, उसके घर में बारात ज़्यादा लोग आने के कारण उसको वो खुद अपने घड़े को पानी के लेके वो कुएं के अंदर उतरी है। ये परिस्थिति हमारे देश में निर्माण होगी। एक तरफ हम देश की ऐसी परिस्थिति की बात कर रहे हैं कि हम लोग विश्व का महाशक्ति बनना चाहते हैं और दूसरी तरफ ये हमारी है कि हम लोग इसके ऊपर, सर आप जब तक नहीं थे ना तब तक यानी लोगों को बोलने का मौका मिल रहा था, मगर अभी नाउ प्लीज श्री संजीव कुमार मैं आपके अंत में करना चाहूंगा कि सर मैं सरकार से निवेदन इतना ही करना चाहता हूँ। थैंक यू संजीव कुमार। सर मैं ये गन्ने के बारे में एक बताना चाहूंगा कि जो गन्ने का जो क्रॉप हो रहा है और झारखंड सबसे वर्स्ट अफेक्टेड है सर, ये गन्ने के बारे में बताना चाहूंगा दो तीन मिनट का सर। झारखंड पर आपकी कृपा दृष्टि बराबर रही है, आप पांच मिनट लीजिए। हाँ सर पांच मिनट लीजिए, दो सात मिनट कर दीजिए सर, पांच मिनट कुछ नहीं, झारखंड को सात मिनट, पांच मिनट सर। सर 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 मैं झारखंड एक सेकंड सर आप no you are taking more sure. time no please I called him no I called him एक रिपोर्ट दिया था कि जहाँ जहाँ पर गन्ने का जो क्रॉप होता है उसकी वजह से पानी ज़्यादा खींच रहा है वो, उसके लिए वो क्रॉप पैटर्न बदलना चाहिए, कृपा करके उसका ध्यान दें और किसानों के ऊपर जो कर्ज है जिस प्रकार से रिस्ट्रक्चरिंग उद्योगों का किया है उसी प्रकार से रिस्ट्रक्चरिंग इनका भी किया जाना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। धन्यवाद सर। ओके थैंक यू सर।